बदायूं के उगहती में महिला के साथ निर्भया जैसी हैवानियत का मामला सामने आने के बाद सख्त हुए SSP ने। थाना अध्यक्ष की लापरवाही सामने आने के बाद तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया। साथ ही पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रविवार को पूजा करने गई 50 वर्षीय आंगनबाड़ी सहायिका की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। महिला की बाएं पसली, बाएं पैर और बाएं फेफड़ा भी क्षत विक्षत किया गया था। महिला की मौत की वजह ज्यादा खून बहने और सदमा लगने से सामने आई। लिहाजा SSP संकल शर्मा के निर्देश पर परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी महंत और उसके एक चेले और ड्राइवर के खिलाफ गैंगरेप के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया। दूसरी तरफ बदायूं में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से सपा जिलाध्यक्ष के साथ एक प्रतिनिधि मंडल मिलने पहुंचा। उनके साथ बदायूं सहजवान विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक ओमकार सिंह भी मौजूद थे। हमारी माँ शाम को यहाँ से निकली महा मंदिर पर गई थी, बोल गई मैं जा रही हूँ पूजा करने। फिर रात को 3 लोग आए थे, गाड़ी में डाल के आए, हमारे यहाँ दरवाजे पे डाल के चले गए। हमने देख कौन कौन लोग थे वो कौन कौन? बाबा था एक, उसका नाम सत्यनारायण और वेदराम, और वो गाड़ी लेके आए वो जसपाल। फिर हमने देखा तो हमारी माँ मरी हुई थी, शरीर से खून बह रहा था, तन पे कोई कपड़ा नहीं था। फिर हमने सुबह को हम थाना गए, पुलिस ने कोई सुना ही नहीं। दो बार गए, पुलिस ने ये बोल दिया कि अभी कोई सुविधा नहीं, फिर आना। फिर हमने 112 पे कॉल किया, फिर पुलिस तुरंत आई। परिवारजनों से मुलाकात हुई, उनके बेटियों से, बेटे से, दामाद से, और जो आवश्यक सूचनाएं थी इस केस से संबंधित उनसे बातचीत की गई, जो उपयोगी इस केस का सफल अनावरण में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। ये केस हम लोग के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का केस है बदायूं जनपद का, इसीलिए मैं बरेली से यहाँ पर आया हूँ। 4 टीमें इसमें बनाई गई हैं। सत्यनारायण जो वहाँ का बाबा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके आधार पे हम लोग उसको शीघ्र गिरफ्तार करने में सफल होंगे। उससे पूछताछ के बाद भी जो मिसिंग कड़ी हैं अभी पूरे केस की, उसको हम लोग चूल से चूल बैठा करके फिर आपके समक्ष पूरी बात रखें। परिवारजनों की ओर से उनसे मिलके मैंने उनको सांत्वना दी, बताया कि जिला प्रशासन आपके साथ है, यदि आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट लगता है या किसी भी प्रकार का कोई अंदेशा लगता है तो हमें तत्काल बताएं, जैसे कि परिवारजनों ने इनकार किया। ये भी मैंने बोला कि आप किसी से मिलना चाहें, कुछ भी करना चाहें, आप स्वच्छंद हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारा परिवार जो है सदमे में है, हम लोग थोड़ा जो है अकेलापन चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ भीड़ वगैरह काफ़ी है तो अकेले में बैठे हुए हैं, फिलहाल वो कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा अभी जो है, क्योंकि इनके यहाँ 2-3 लोग इनके आसपास के रिलेटिव भी आ गए हैं, तो घर में खाने पीने का सामान थोड़ा कम था तो वो मुहैया करवाने के लिए लोकल कोटेदार हैं, उनसे बता दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने अभी किसी पे किसी भी प्रकार का कोई अंदेशा नहीं जताया है। वो जो 3 अक्यूज थे उन्हीं के बारे में उन्होंने हामी भरी कि हाँ यही लोग थे। इसमें दो गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी फरार है, जिसकी हमारा प्रयास हो रहा है लोकल पुलिस के द्वारा, उसको भी उसकी भी तत्काल गिरफ्तारी करवाई जाएगी।